वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। यूपी में जाकर प्रियंका दीदी तो महिलाओं की रक्षा की बातें करती हैं, बड़ी बड़ी बातें, आरक्षण की बात करती है, उनके हक की बात करती है, पर असलियत में हो क्या रहा है वो भी देख लीजिए। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आरिफ नसीम खान ही प्रियंका के दावों का पलीता निकाल रहे हैं। उन तमाम दावों और वादों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है उन्होंने, जिनके दम पर दीदी यूपी में चुनावी हुंकार भर रही है। दरअसल आरिफ नसीम पर एक महिला के बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस ने बताया कि आरिफ नसीम खान के अलावा 4 अन्य लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। ये मामला मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। इस संबंध में आरिफ नसीम खान की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। मिली जानकारी के मुताबिक पहले साकिनाका पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी, लेकिन बाद में अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को देखते हुए इसे अंधेरी पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस मामले में अभी भी किसी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको बता दें कि एक महिला ने नसीम खान पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या दीदी भैया उस महिला से मिलने जाएंगे जिसने आरोप लगाए, और कब तक होगी इस मामले में कोई गिरफ्तारी, ये भी एक बड़ा सवाल है। नसीम खान के बारे में आपको जानकारी दे दें तो ये जनाब महाराष्ट्र में कांग्रेस के 6 कार्यकारी अध्यक्षों में से एक हैं। उन 6 कार्यकारी अध्यक्षों में मोहम्मद आरिफ नसीम खान के अलावा शिवाजी राव मोगे, बसवराज पाटिल, कुणाल रोहिदास पाटिल, चंद्रकांत और प्रणति सुशील कुमार शिंदे हैं। अक्टूबर 2019 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नसीम खान शिवसेना के उम्मीदवार दिलीप लांडे के खिलाफ 409 वोटों के अंतर से चांदीवली सीट से चुनाव हार गए थे, और इस बार अब ये सुर्खियों में आ गए। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि जिन मुद्दों के दम पर दीदी यूपी में चुनावी हुंकार भर रही है, जिन महिला के अधिकारों की बात वो करती हुई नजर आती है, क्या वो इन मामलों में भी दखलअंदाजी देंगी और अपने नेता से सवाल पूछेंगी, क्योंकि यहाँ भी एक महिला ने आरोप लगाए हैं कि उनसे छेड़खानी हुई है। तो क्या दीदी इस मुद्दे को उसी जोर शोर से उठाएंगी जैसा उन्होंने लखीमपुर मामले को उठाया था, जैसा उन्होंने हाथरस के मामले को उठाया था? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में दीदी ही दे पाएंगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।